तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। मोस्ट मच अवेटेड मूवी म्यूजिकल रोमांस से भरी मूवी सत्यप्रेम की कथा को आज यानी 29 जून को रिलीज कर दिया गया है और क्या रिकॉर्ड तोड़ हिस्ट्री क्रिएट कर रही है भाई, मान गए। लोगों को ये चटपटी फुल ऑफ रोमांस से भरी जोड़ी काफी पसंद आ रही है। एक लाइन में कहूं तो कार्तिक और कियारा छा गए दो। तो आज बात करेंगे मूवी कैसी है, देखने लायक है या नहीं, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, स्टोरी लाइन और कंटेंट कैसा है, बोले तो कितना दम है, स्टार कास्ट कैसी है, मूवी का बजट कितना है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप भी कार्तिक और कियारा के डाई हार्ट फैन हैं और मूवी का इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे थे तब, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, समीर विध्वंस के डायरेक्शन में बनने वाली 60 करोड़ के टोटल खर्चे पर सत्यप्रेम की कथा लव रोमांस के मसालेदार तरीके से भरी फिल्म है, थिएटर पर आग लगा रही है। दोस्तों, जितनी खूबसूरत कार्तिक और कियारा की ये जोड़ी है, उतनी ही खूबसूरती से इन्होंने मूवी को अंजाम भी दिया है। जहाँ दोस्तों, पूरी फिल्म में आपको लव रोमांस, इमोशंस और धमाकेदार ड्रामा भी भर भर कर देखने को मिलने वाला है। बात करें स्टोरी लाइन की तो दोस्तों, कार्तिक भैया जो सत्तू का रोल प्ले कर रहे हैं और हो चुके हैं अब 30 साल के, अब इन्हें करनी है शादी, जो कि प्योर हार्ट पर्सन है, काफी इनोसेंट, क्यूट, चार्मिंग एंड फुल ऑफ रोमांटिक पर्सन है। पर सत्तू भैया को लड़की नहीं मिलती है, तभी इनकी मुलाकात होती है मोस्ट ब्यूटीफुल कियारा आडवाणी उर्फ कथा कपाड़िया से, जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है। और सत्तू भैया लग जाते हैं कथा को अपना प्यार प्रूफ करने, बोले तो पटाने की हर वो कोशिश करने लगते हैं। बस फिर पूरी फिल्म इसी थीम पर घूमती रहेगी और सम टाइम आपको ढेर सारा कॉमेडी देकर जाएगी तो सम टाइम ढेर सारा इमोशनल ड्रामा। जहां दोस्तों, कार्तिक का वही चार्मिंग लुक आपको देखने को मिलेगा और कॉमिक टाइमिंग तो क्या कमाल की डिलीवर करी गई है कार्तिक की तरफ से। इसी के साथ इमोशंस का भी क्या जोरदार तड़का लगाया है बंदे ने, ऑसम। जहां दोस्तों, फर्स्ट हाफ में आपको हंसा हंसा के पागल कर दिया जाएगा और सेकंड हाफ में आपको इमोशनल कर दिया जाएगा। बात करें कियारा आडवाणी की तो दोस्तों, जितनी खूबसूरती दिखती हैं उतनी ही खूबसूरती से इन्होंने अपनी एक्टिंग भी करी है। यस, एक बिजनेसमैन की बेटी का जैसा रुतबा और एटीट्यूड होना चाहिए, बड़ी ही सिंप्लिसिटी से इस करेक्टर को पकड़ के रखा है और कहीं कहीं चुलबुली एक्टिंग के साथ लोगों के दिल भी जीत कर नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक और कियारा की ये जोड़ी बॉलीवुड की इस समय नंबर वन जोड़ी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जोड़ी जब भी एक साथ आती है स्टेज फाड़ देती है और आज भी सेम यही करते नजर आए हैं दोनों। बात अगर सपोर्टिंग कास्ट की करें तो आपको राजपाल यादव, गजराज राव और सुप्रिया पाठक जैसे दिग्गज स्टार नजर आने वाले हैं। मूवी बेस है एक गुजराती फैमिली की लव स्टोरी पर। बात अगर म्यूजिक की करें तो दोस्तों, म्यूजिक ने तो पहले ही जनता का दिल लूट लिया है और ये कहना बेकार नहीं होगा कि वन ऑफ द बेस्ट एल्बम उभर कर आ सकती है ये इस साल की। दोस्तों, BGM का इस्तेमाल भी बहुत ही नाप तोल कर, सोच समझ कर जबरदस्त तरीके से किया गया है और इमोशनल और ड्रामा में तो ये आपको काफी सीरियस होने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, मेरी तरफ से अगर मैं मूवी को 5 में से ओवरऑल स्टार देना चाहूँ तो 4 स्टार दूंगा। जी हाँ दोस्तों, मूवी काफी एंटरटेनिंग है, बॉलीवुड में ऐसी फिल्में जल्दी बनती नहीं है। मेरा यही कहना होगा कि आप भी एक बार जाके जरूर देखें मूवी को। दोस्तों, मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। पहले तो ये, अगर आप लोगों ने भी इस फिल्म को देख लिया है तो आपको मूवी कैसी लगी? दूसरा, कियारा और कार्तिक आर्यन की जोड़ी कैसी लगी आप लोगों को? क्या ये जोड़ी मूवी को सुपरहिट का टैग दिला पाएगी, हाँ या ना? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।